ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਰ ਰਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਹੋ ਜੂਗਾ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਘਾਟਾ ਕਦੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਹੋਣਾ दीप साढ़े परिवार मोढ़े ना मोढ़ा जो कि खड़ा सी हर वक्त परसों दो दिन पहले मेरे नाल गल की कि इस बारे हर वक्त पुछता रहता है सू तो 9 बजे पता लगे रात क्या गल हुई है तो सारी रात सुते नहीं नींद नहीं आई बेटी मेरी नानक मैंने कहते पापा दीप सिद्धू नहीं रहे तो मैं उस उठ के अखा च पानी आ गया रोंदा रहा मैं तो वेख वेख के ना सर मतलब भी रात गुलामी मानसिक तौर पर गुलाम है साढ़े संगल नहीं पाए हुए उन्हें नौजवानों को जागृत करता सीगा सो ये आने वाले समय च पता लग जूगा ये भैड़िया सरकारां दा भी केस तहत उन्होंने किस साजिश नाल मारिया गया उसकी सोच है उत्ते सी पहरा देना है वो मरिया नहीं है उसकी सोच साडे नाल है इन्ना मैं बेनती करता होया ये कहना है कि जेड़े भी उसके कातिल ने जिन्हें साजिश रची है वो बिल्कुल सिख कौम बर्दाश्त नहीं करती उन्होंने जरूर सजा देगी सत श्री अकाल जी तुम जुड़े हो सुरखाब टीवी के नाल मैं तुहाडा अपना परविंदर औजला जिवें कल रात की घटना एक बहुत पंजाब दे लई सिख कौम दे लई बहुत दुखदाई घटना है कि वीरदीप सिद्धू का जिहड़ा एक्सीडेंट दे विच डैथ हो गई है ते अज शंभू बैरियर तो तुम मेरी तस्वीर दिखाओ कैमरा मैन कहूँगा सारिया तस्वीर दिखाओ किस तरीके नौजवान ने जिहड़े शंभू बैरियर तो थोड़े समय में वीरदीप सिद्धू की अंतम देह है जी आनी है वो दर्शन करने लिए बहुत बड़ी गिणती दे नौजवान पहुँचे ने तो साढ़े नाल जगमीत सिंह जी के पिता जी हो गए वो भी इत्थे दर्शन करन आए ने बहुत बड़ा एक घाटा पिया सिख कौम नू पूरे पंजाब नू की कहना चाहते हो जी दीप सिख कौम का एक अनमोल हीरा सी ना पूरा हो घाटा कौम नू पिया कौम कल दी सारी रात बहुत गहरे सदमे चल रही है कहनू लफ्ज नहीं आ रहे ये घाटा नहीं पूरा हो सकता जो दीप की सोच ही वह नौजवान दिलों की धड़कन सी तो उसने नौजवानों को लांबण किया पंजाब वास्ते पंजाब दी हक्कां मंगां वास्ते पंजाब दी जो होंद नू खतरा उस बारे जागरूक किया तो ये एक्सीडेंट मैं इहनू अखौती एक्सीडेंट मानना अखौती का भाव कहने तो भावी एक्सीडेंट कराया गया एक्सीडेंट होया नहीं तो एक इस धड़क आवाज़ बंद करने की एक साजिश है तो दीप साडे परिवार नाल मोढ़े ना मोढ़ा जो कि खड़ा सी हर वक्त परसों दो दिन पहले मेरे नाल उन्हें गल की कि इस बारे हर वक्त पुछता रहिंदा सी दो दिन पहले थोड़े तो जगमीत दे नाल बहुत वधिया रिलेशन सी इत्थे इत्थे इत्थी शंघू बैरियर की गल करें इत्थे जगमीत दे दीप रहिंदे रहे ना तुहाडी किन्ने दिन पहले गल हुई दस्सिओ दो दिन पहले मेरे नाल गल हुई मेरे केस बारे पुछ रहे सी जगमीत मैं की कर रहे आप हाँ तो हुण भी वह दिल्ली गए सी उन्हां नाल फिर पुछना सी रहा नहीं असीं कल फोन कर रहे सी उन्हां नूं फोन नहीं लग रहा सानूं पता नहीं भी हादसा वर गया सानूं तो 9 बजे पता लग गया रात क्या गल हुई है तो सारी रात सुते नहीं नींद नहीं आई बेटी मेरी नानक मैंने कहते पापा दीप सिद्धू नहीं रहे तो मैं उस उठ के अखा च पानी आ गया रोंदा रहा मैं तो वेख वेख के ना सर मतलब भी रात मतलब नींद नहीं आई तो हुण ही मैनूं जगमीत का फोन आया जेल चों पता लग गया सी उन्हें खबर पढ़ ली सी तो कहिंदे पापा तुसीं जरूर पहुँचो उत्थे हर हाल च पहुँचना भोग ते अंतम अरदास ते पहुँचना मेरे वल्लों पोस्ट ही पाओ मैं पोस्ट ही पा के आया उहदे वल्लों सोशल मीडिया ते क्योंकि जगमीत का मैं उन्होंने जगमीत का वड्डा भरा मानता सी ते मेरे परिवार का हिस्सा सी जग ये जिहड़ा दीप सिद्धू है साडे परिवार का हिस्सा सी ते असीं उहदे परिवार के नाल जितना वो साडे नाल खड़ा है असीं हर मोढ़े नाल मोढ़ा जाके खड़े हैं उहदे नाल इस दुख की घड़ी विच असीं बाकी ये सच्चे पासे का भाणा भाणा मनना पैना सच्चे पासे का हुक्म है सहेला कहण कहावन बिठम बिखम तेरा भावन भाणा उहदा है बिखम है पर सच्चे पासे का हुक्म है हुक्म नूं कौन टाल सकदा जी हाँजी सो इत्थे तुसीं बहुत सारी संख्या दे विच नौजवान देख रहे हो जिन्ने नौजवानों की गल करते हैं सारे यही कहिंदे ने कि असीं रात की रोटी नहीं खाधी भुखे ढिड रहे हैं
तो तुम देख सकते हो बहुत बड़ी गिणती दे जो नौजवान इतने पहुंचे ने किसी होर आप वीर भी गलबात करांगे जिन्हें भी नौजवान इतने गलबात की ऑफ कैमरा सारे ने यही कहा कि सानू बोलना नहीं आता स्टेजा से सानू दीप ने एक अणख जगाई साढ़े अणख जगाई सानू बोलन की एक इदा की काबिलियत बख्शी कि असी अपने हकों की लड़ना सीखे हाँ तो भीरे की कहना चाहते जी बी कह सुनने का रहा ही बई कुछ नहीं मतलब इन्ना क्या बी आम हाँ पढ़े लिखे भी इतने कोई अफसर अगे नहीं बोलता कोई मंत्री संतरी अगर कोई नहीं बोलता बई का धरना लग्या जमीर जगाइया साडा इतिहास दुबारा सानू दस्या भी की है तो बई हूँ घेरन लग गई जनता लीडर घेर दी है अफसर घेर दी है असं हक मंगने अपने पंजाब अपने हकों से होया एक्टिव एन फुल काम से अंदोलन भी बई करके जितते बई पहले दिन तो ही सब तो अगे से बई आ अभी लोकल से उरे धरने चाहते सी सब तो अगे अंदोलन के भी अगे से यह शादी शाह बई सरेआम धक्का बई ना हो अगे बई जा रहे पंजाब बचा लगा सी बई योद्धा योधा बई सदिया बाद जमदा अपन इको गल कहने संतों तो बाद बई ये साढ़े पंजाब को लौता वारस जो हक सच की गल करता पंजाब बारे सोचता ही पंजाब वास्ते दर्द रखता सी नहीं तो पंजाब तो चाह रहा प्रवास हो रहा चावी चावी लोगों भी फिर उन्हें दस्या बी पंजाब की यह बर्बादी हो रही है उजाड़ा हो रहा है फिर लोगों ने सोचा वाकई यार धी पुत भी जा रहे हैं बच्चे भी जा रहे हैं उजाड़ा तो हो ही रहा क्योंकि बई बस कहने लिए शब्द खत्म ने बई अज पंजाब सुन्ना हो गया जिन्हें भी भरावान गल करते हैं सारे ने यही कहा भी असी रात की रोटी नहीं खाधी हैगी साडा जी नहीं लग रहा अंतम जी रूह आदि जी बॉडी आनी है वो सारे दर्शकों देखो किस तरीके कि संगत आईया ने की लगता साजिश क्यों लग रही है जी साजिश किमें लग रही है भी कुछ है ये कुछ कुछ बई सच्चिया गल् करता सी अपने ग्रंथों तो इतिहासों तो बगैर आप पंजाब अलग स पंजाब देश से अपना खुशहाल से आप गुलामी का एहसास करा रहा लोगों लोगों हो भी रहा एहसास बई असी गुलाम हाँ भी गुलाम हर जगह गुलाम हूँ जमीना खोह तक आ गए हैं गुलामे तक पै रहे हूँ वार बार बई यही तो गल् करता बई ये पग न पहनगे चुनिया पहनगे हूँ तो हो ही रहा धक्का कर ही रही है आर एस एस शरेआम हो रहा किसानों हो रहा मुंडिया ना नौजवानी हो रहा हो रही गुलामों होर की होना है सिखा वास्ते कानून अलग है होर वास्ते इतने कानून अलग ने इस देश बस जिमें एडा बड़ा योगदान पाने के बाद भी बहुत लोग सारे बहुत सारे कहते गरदार आ गदार है लोगों ने समझिया नहीं भाई ये तो त्रासदी अपनी कौम की यही त्रासदी सब तो वड्डी है जूंदे जी भाई ये नाल नहीं तुरते जड़े गदार कहते सब तो वध स्टेट्स अज उन्होंने लाए बई की गल सच्ची होगी बई फेसबुक स्टेट हाँ पहला तो मतलब गदार हूँ अज बड़ा मतलब दुख प्रगट हो रहा है तो सारे प्रूफ कढ के दते ना उन्हें दसो कितने गदार है जिन्ने भी चेहरे उठे ने अपने अंदोलन के कलाकार ला लो एक्टर लै लो जाके बैठे ना बीजेपी की गोदी च कला कला बैठे टिकटा पिछे एक फौजी बई इधर माझे वाल मैं बड़ी फिर करता हूँ गलों मैं शेयर करता ना तो मेरे याद नहीं बैठा ना पटा पा के होबी धाड़ीवाल वह नहीं बैठा क्यों बई उदों तो तुम इन बीजेपी माड़े कहते हो बई का सारा नाम शरेआम बदनाम किया इन्होंने सारे एक्टर कलाकार ने भी बीजेपी का आर एस एस का फलाना ढिमका हाँ बई जितों मर्जी एम पी की टिकट लड़ सकता ही अगला त्यागी अगले ने खड़ा सरदार सिमर सिंह मान नाल डट के खड़े है सारे ने पट्टे पवाए ने ना बई आप फेसबुक के इंस्टा सारा कुछ देख ही रहे हैं बस बई ये त्रासदी है पंजाब की आप सच्चा तो घेंट पाई खो लिया बई अपना बड़ा दुख है बई बड़ा योद्धा गवाया सदियां बाद यहोजे योद्धे जमदे ने बस ये है बई ओदी सोचते हुण पैरा दे लियो बड़े योद्धे गवा ले ने आप बाद च कहिंदे आ संत जदों मरे हाँ उदों ही कहिंदे आ शहीद हो जाण जो संत साहब बई ये इंदिरा नाल है जी फलाना भुलेखा है सी कौम हुण बाद जो पता लगा हुण फिर दीप ने प्रकट आप ही अपने मुँह ही कह गया बई उते बई तुसी शरधांजलियां ते आउण लई तैयार हो जांदे हो बई जूंदे जी नाल नहीं तुरदे बाकी उह अलाही रूह सी बई लागी गल्लां हन ते लागी बई उहनूं प्यार करन आए हन जिहड़े बई उहदे अज खड़े ने ते बाकी पंजाब उहदे हत्थ बई शब्द खत्म ने बई छेड़ना बस दुख आ बई लगातार असी काफ़ी समय तो देख रहे हैं वीर का रोना जो रुक नहीं रहा तो जरूर जो दुख दर्द होंगे कहते भी बाहर कढ़ देना चाहिए वीरे की कहना चाहते हो वीरे वीरे असी सानू यार रात का पता लग गया एक घटना वापरी एक कोई साढ़े वास्ते कोई मतलब एक मिनट का भी सानू विश्वास नहीं सी भी यह जहा काम यह जे वीर नाल हो जूगा ठीक है ये पूरे पंजाब वास्ते बड़ा ही घाटा कभी पूरा नहीं फिर होना ठीक है किसानी दौल के बीच इस इंसान ने सब तो अगे हो के इतों चक के किसान अगे ले जाने वास्ते बहुत ही मतलब इन्नी कामयाबी पाई है मेरे वीर नू यह जी मौत परमात्मा ने
मतलब रात दे परेशान है, यकीन नहीं है मेरे भी ये काम हुण तक होया नहीं होया, मेरे हुण दरअसल करके ही मन नूं माड़ी मोटी शांति आऊगी वे काम भाई नाल हो गया मेरे, मतलब ऐ जा पढ़िया लिखिया ऐ जा जंग ऐ जा नौजवान वीरां नूं अगे लेण वाला मैं नहीं कहिंदा भी कदी कोई पैदा होऊगा मेरे, बड़ा मन नूं इन्नी तकलीफ मेरे। सो तुसीं देख रहे हो दर्द, यह इत्थे जिन्ने भी नौजवान ने सारिया का यही दर्द है, रोने धोने लगातार जिहड़े सारे हंझू बहा रहे ने, सो क्योंकि किसी नूं यकीन नहीं आ रहा। ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦ ਤੋਂ ਵੀਰੇ ਨਾਲ ਟੈ ਸੀਗੇ? ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਬਾਈ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਐਡੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਬਾਈ, ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਈ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੇ ਮਤਲਬ ਮਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਬਾਈ ਨੂੰ, ਐਡਾ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਈ ਨੇ, ਬਾਈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੋ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀਰੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਚੱਲੋ, ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਹੀ ਚੱਲੋ ਵੀਰੇ। ਸਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸੰਗਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਉਹਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਇਹ ਭੈੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸਾਜਿਸ਼ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਾਤਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਜ਼ਾ ਦਊਗੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, 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 ਸਿੱਧੂ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਸਿੱਧੂ ਭਾਈ ਸੋਚ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆਉਂਦਾ।
सो बहुत सारा दुख आ सारे जिन्हें भी इतने नौजवान पहुंचे ने सारे बहुत दुख आते सारे नौजवान ये कह रहे हैं कि दीप दे चल जो रास्ता दीप ने दिखाया एक नौजवानों वे लगातार असं चलते रहेंगे तो अगे भी असी जानकारी तो चैनल राही दें रहेंगे तुम जुड़े रहो साडे टीवी के नाल।